तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर टू वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, यानी ये भी ऑप्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या है चेंज ऑप्शन टू में, आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप में जो 30 मार्क्स का है ये वैसा ही रखा है मैंने जो ऑप्शन वन में था, उसको नहीं मैंने डिस्टर्ब किया, सेम है 1 मार्क के 8 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2, 6 मार्क का 1 एंड 8 मार्क का 1, ये इसको इंटैक्ट किया है। व्हाट चेंज वी हैव डन, लेट्स सी इन द सेकंड, दैट इज इन द कंपनी अकाउंट्स। पहले कंपनी अकाउंट्स में 1 मार्क के हमने 6 क्वेश्चन दिए थे, वहां हमने चेंज किया, अब 1 मार्क के आएंगे 4 क्वेश्चंस, यानी एज पर दिस ब्लूप्रिंट अगर आता है तो 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस और 8 मार्क का हमारा 1 क्वेश्चन, मार्क्स वही 20 रहेगा। नेक्स्ट है एनालिसिस बुक, वहां पर 1 मार्क के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें आपका चैप्टर 1 जो है कंपनीज की बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का हेड सब हेड, चैप्टर नंबर 2 थ्योरी का जो है, चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव है, इनके अंदर भी हम 1 मार्क के क्वेश्चन काफी सारे पूछ सकते हैं। 3 मार्क का रहेगा 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 जो कि रेशियो एनालिसिस से पूछ सकते हैं, और 3 हम कंपैरेटिव का न्यूमेरिकल ले सकते हैं या फिर हेड सब हेड, कुछ भी पॉसिबल है। कैश फ्लो में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 6 मार्क का 1 क्वेश्चन, ये डिस्टर्ब नहीं करा, सेम है ऑप्शन 1 की तरह। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 1 मार्क का हम 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3 मार्क का हम 1 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1, यानी ये वही है जो टिल लास्ट ईयर का ब्रेकअप था, उसको यहाँ पे इंटैक्ट रखा है एनपीओ के केस में। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, जिस तरह से हमारे 32 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और 5 क्वेश्चंस हमारे चॉइस में आने हैं, पहला 3 मार्क में, एक 4 मार्क में, एक 6 मार्क में, और 8 मार्क से दोनों क्वेश्चन में हमारा चॉइस आएगा, यानी 5 क्वेश्चन में हम चॉइस इस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर सीबीएसई जो लेटेस्ट पैटर्न है। सो दिस वाज ऑप्शन नंबर 2, और देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वेरियस ऑल्टरनेटिव या वेरियस ब्लूप्रिंट जो आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर 3 ऑफ वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 80 मार्क्स पेपर विच वी कैन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें मैंने पार्टनरशिप के अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन को 10 दिए हैं, यानी इतनी बड़ी पार्टनरशिप है, 10 क्वेश्चंस में हम काफी कुछ पूछ सकते हैं 1 मार्क का, न्यू रेशियो, अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अबाउट द चेंज इन पीएसआर, काफी कुछ। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं और 8 मार्क का 1 क्वेश्चन, यानी ये वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप पेपर्स अपने आप डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ताकि वहां बोर्ड एग्जाम में फिर किसी भी ढंग का पेपर हो हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। कंपनी अकाउंट्स के अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन 4, 4 मार्क के 2 और 8 मार्क का हमने 1 क्वेश्चन जो पहले था उसको सेम इंटैक्ट रखा है इसमें। एनालिसिस के अंदर हमने 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस कर दिए, 3 मार्क के हमने 2 क्वेश्चंस लिए एंड 4 मार्क का 1 क्वेश्चन, जो मिला के 12 मार्क्स बन रहा है। कैश फ्लो के अंदर 1 मार्क का हमारा 2 क्वेश्चंस और 6 मार्क का 1, उसको यही इंटैक्ट किया, बिकॉज ये जो हमारा 8 मार्क का है कॉम्बिनेशन यही बनता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस लिए और अब 4 मार्क के 2 क्वेश्चन ले लिए, यानी जो 6 मार्क का क्वेश्चन यहां से हमने हटा दिया, थोड़ा सा चेंज है, मतलब एक डिफरेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि सेम आएगा, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए आपको ये एक कॉम्बिनेशन है। ये था ऑप्शन नंबर हमारा 3, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 ऑफ लास्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 80 मार्क्स पेपर। फाइन, सो लेट्स सी, यहाँ पार्टनरशिप में हमने 1 मार्क के क्वेश्चन को कितना दिया है, 9 क्वेश्चन 1 मार्क के, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1, 4 मार्क्स के लिए 1 और 6 और 8 मार्क का 1 क्वेश्चन ईच। फाइन, कंपनी अकाउंट्स में हमने सेम रखा है 1 मार्क का 4 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन और 8 मार्क का हमारा 1 क्वेश्चन। एनालिसिस के अंदर हमने 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस लिए हैं, अगेन जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं 1 मार्क उसमें कवर हो जाएंगे, और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक कंपैरेटिव और एक हमारा रेशियो एनालिसिस का। कैश फ्लो में सेम रखा है 1 मार्क का हमारे 2 क्वेश्चंस और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम रखा है जो हमने पहले लिया, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क के 1 एंड 6 मार्क का 1। तो यहां पर हमने चेंजेस किए हैं पार्टनरशिप के अंदर, और यहां एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा चेंज किया और एक डिफरेंट ब्लूप्रिंट आपके सामने हम लेके आए हैं। तो ये थी 4 ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, ये थी बाकी की 3 ऑप्शन, और आई होप इन चारों ऑप्शंस के बाद अब अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं किस तरह का वेरियस कॉम्बिनेशंस आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और अभी से हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसा मैंने बताया कि हम स्टार्ट करेंगे पहले 1 मार्कर से, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8 मार्कर के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। तो बनिए रहिए, जल्दी से प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो अभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे अकाउंटेंसी को लेकर। फाइन, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अकाउंटेंसी आसान है अगर हम चाहें तो सिस्टमैटिक तैयारी से करें और डिसिप्लिन के साथ करें, तो ये पेपर बहुत ही अच्छा होगा हमारा इस बार। सो बनिए रहिए हमारे साथ, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।